शताब्दी महोत्सव का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश के आदेश पर जहां पूरे प्रदेश में चोरी चोरा कांड को लेकर चोरी चोरा शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, आज मुरादाबाद पंचायत भवन में चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव मनाया गया। शताब्दी महोत्सव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि शहर विधायक रितेश गुप्ता, विधानसभा सदस्य जयपाल सिंह बैस्त और मुरादाबाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह मौजूद रहे। आपको बताएं क्या है चोरी चोरा कांड। ब्रिटिश भारत ने संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के तहसील चोरी चोरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्यवाही में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कब्जेदारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों शहीद हुए थे। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हर स्वतंत्रता सेनानी को देश की श्रद्धांजलि। एडीएम सतीश साहब जी, सुखलाल आजाद जी, ममता, चोरी चोरा के शहीदों का स्मरण करते हुए इतना ही नहीं, गोरखपुर से एडीएम सतीश साहब अजी सर प्लीज उल्लेख अभी योगी जी ने किया, बच्चों का लोगों का को दिया जा रहा है अपने सपनों को आहूत कर सके। इस बेहतरीन कार्यक्रम के बाद सर बहुत सारे तो श्रीनगर बस्ती महाराज मुझे विश्वास है आज पंचायत भवन में गोरखपुर जिले के पास एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था चोरी चोरा। तो सन 1922 में एक घटना वहाँ पे घटित हुई थी, उसी घटना के उपलक्ष में चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम मुरादाबाद में पंचायत भवन में आयोजित किया गया है। चोरी चोरा की घटना जिस समय हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय महात्मा गांधी का एक असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन के कड़ी में ही 4 फरवरी 1922 में कुछ लोग एक शांति मार्च निकाल रहे थे। उस शांति मार्च को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, उसी में कुछ लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने उसमें फायरिंग की। उस फायरिंग में 3 लोग शहीद हुए। उससे जनता आक्रोशित हो गई, जनता ने आक्रोशित होकर थाने का घेराव किया और पुलिस ने पुनः उन पर लाठीचार्ज गोलीबारी करी, तो उससे आक्रोशित होकर लोगों ने चौकी में आग लगा दी, जिससे ब्रिटिश हुकूमत के 23 लोग मारे गए थे। उसके बाद गांधी का असहयोग आंदोलन भी रोक दिया गया था। बहुत बड़ी घटना थी, उस घटना से पूरा देश हिल चुका था और जो देश में 2 धाराएं बन गई, एक शांति के साथ चलने वाली धारा थी और एक क्रांतिकारी धारा थी। क्रांतिकारी धारा को उस आंदोलन से तेजी मिली, दोनों का उद्देश्य एक ही था, देश की आज़ादी। तो आज उसी चोरी चोरा की घटना के संबंध में ये शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मुरादाबाद के, उनके परिजनों को सम्मानित किया गया है।